तो मेरा नाम कुशाल कुमार और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4, बिल्कुल टॉप मॉडल रहने वाला है ये। तो 55 लाख रुपए का इस कार का ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो फिर इतने प्राइस में आपको इतने अच्छे डायमेंशन की कार मिल जाती है, रोड प्रेजेंस बिल्कुल धाकड़ आती है इस कार की, है टर्निंग कार है और इसी के साथ मेंटेनेंस कम रहती है, रीसेल अच्छी रहती है, जिस वजह से सभी की पहली पसंद बनी हुई है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इतने डायमेंशन में और काफी सारी कारें आ गई हैं, पर लेकिन फॉर्च्यूनर की फैन फॉलोइंग पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है उन कार से। रुतबा बना रखा है फॉर्च्यूनर ने इस सेगमेंट में, और इसी के साथ जो लग्जरी कार्स आती है उनको भी कॉम्पिटिशन करती है कार। तो भाई 55 लाख जो इस कार का ऑन रोड प्राइस है वो हरिद्वार में है। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ टोयोटा ट्रस्ट शोरूम पर, दीपक सर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उनका कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो ही होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या ऑफर कराया था आपको इस कार में। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूं मैं इस कार की। तो कुछ तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी, कीलेस एंट्री रहने वाली है जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा कार की बुक को लॉक करने के लिए। और ये रही फ्रंट प्रोफाइल इस कार की, फ्रंट से देखने में काफी बढ़िया काफी ह्यूज लगती है। और ये रही इसके LED DRS, कुछ तरह की आपको यहाँ पर LED DRS मिल जाएंगे, LED हेडलैम्प, और आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी। और ये रही ग्रिल इस कार की, ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दी जाएगी, बड़े साइज का मिल जाएगा आपको यहाँ पर टोयोटा का लोगो। और LED हो गए यहाँ पर फोग लैंप, और यहाँ पर आपको सिक्वेंसर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ये भी LED में रहने वाला है। यहाँ पर होगी पियानो ब्लैक फिनिश, सिल्वर लाइन दी गई है यहाँ पर। फिर फ्रंट में भी आपको दो पार्किंग सेंसर दिए जाएंगे। ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की, जैसे आप देख सकते हैं डायमेंशन वाइज अगर आप देखते हो काफी बढ़िया डायमेंशन है इस कार की। साइड में जो भी कार्स आती है जो भी डायमेंशन है इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होगी। 18 इंच के आपको इसमें एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो कि डायमंड कट रहने वाले हैं, 265/60R18 की प्रोफाइल रहने वाली है। और इन सोफे की साइड आपको छोटे साइज की मिल जाएगी क्लैडिंग, और यहाँ पर आपको फुट स्टैप दिया जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लैडिंग और फॉर्च्यूनर की यहाँ पर बैजिंग दी गई है, सिल्वर फिनिश रहने वाली है। और ये रहा इस कार का ORVM जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इंडिकेटर भी आपको इस कार के ORVM पर मिल जाता है, ए पिलर हो गया ब्लैक कलर का। और ये रूफ इस कार की जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाली है, विंडो क्रोम गार्निश दी जाएगी, डोर हैंडल्स हो गए बॉडी कलर के इस कार के। और ये रहा इंटीरियर कार का जो कि डुअल कलर में रहता है, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको सभी फीचर्स दिखा दूंगा आपको क्या क्या ऑफर करे जाते हैं इस कार के इंटीरियर में। और यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर की प्लेट मिल जाएगी जिस पर फॉर्च्यूनर की बैजिंग लगी हुई है, और कितने साइज को हो गया यहाँ पर ग्लास, यू लीड हो गया इसके को ड्राइवर साइड। फिर ये कंबाइंड लुक बैकवर्ड साइड प्रोफाइल की, जैसे मैंने आपको डायमेंशन बताई थी इस कार की, और ये रही बैक प्रोफाइल। ऊपर साइड आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर, हाई माइट स्टॉप लैंप, रियर वाइपर डिफोगर, बहुत से जैसे फीचर दिए जाएंगे आपको इस कार में। और ये रही इसकी LED टेल लाइट, इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे जो कि LED में रहेंगे। टोयोटा क्या होगा यहाँ पर लोगो, फॉर्च्यूनर की बैजिंग होगी पियानो ब्लैक फिनिश पर, और लेजेंडर की होगी बैजिंग यहाँ पर। नीचे साइड होगी स्टॉप लैंप, चार पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं बैक में भी, और फॉर्च्यूनर की होगी यहाँ पर बैजिंग, नीचे साइड पियानो ब्लैक फिनिश, जो स्पेयर व्हील इस कार का वो नीचे साइड दिया जाएगा आपको। अब मैं आपको इस कार का बूट ओपन करके दिखा देता हूँ, काफी तरीके से आप इस कार का बूट अनलॉक कर सकते हैं। एक तो आप लेग से भी कर सकते हैं, आपको रियर में एक बटन मिल जाएगा, और कीपर भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कार की बूट को अनलॉक करने के लिए। जब आप बटन को प्रेस करके रखेंगे तो जो कार का बूट है वो अनलॉक हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा, तो वैसे उतना बूट स्पेस रहेगा इस कार में। रियर सीट को अगर आप यूज नहीं करते तो काफी बढ़िया बूट स्पेस है इस कार में, आप देख सकते हैं कुछ तरीके से आप इस रियर सीट को फोल्ड कर सकते हैं। और कार के बूट को लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा, टेल बूट रहने वाला है इस कार का। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, जैसे आपने देखो इतने फीचर्स मिल जाते हैं आपको एक्सटीरियर से, फीचर्स की तो कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होगा आप इसको एक्सटीरियर से देखते हैं तो। LED DRS हो, LED हेडलैम्प्स हो, हेडलाइट्स का जो रेस्पॉन्स है वो काफी बढ़िया रहता है नाइट में। फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी आपको इस कार में मिल जाते हैं, और एलॉय व्हील्स का भी डिजाइन देखने में काफी बढ़िया लगता है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जो नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर आती है उससे बढ़िया आपको फॉर्च्यूनर लेजेंडर के एलॉय व्हील्स लगेंगे जो कि देखने में काफी बढ़िया लगते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स रहने वाले हैं। और इसी के साथ आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है, और इंटीरियर में भी काफी बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं, जो फीचर्स इस कार के इंटीरियर में वो सब कुछ वीडियो में देख लेंगे। तो इस कार में आपको 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, 2800 cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 201 BHP की पावर, 500 Nm का टॉर्क। तो भी इंजन तो बहुत पावरफुल रहने वाला है इस कार का। चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा आपको इस कार के डोर हैंडल पर, जिसे आप देखते हैं कुछ तरह का रहेगा इंटीरियर इस कार का, जो कि डुअल कलर में, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर,
ये भी आपको डुअल कलर का मिल जाएगा, डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स, ऑटो पावर विंडोज रहने वाली है, लॉक अनलॉक के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो गया, इस कार के ORBM उस तरह कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक फिनिश, लेदर फिनिश होगी यहाँ पर, बाटर हो गया स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस, स्पीकर, ट्विटर सब कुछ मिलने वाला आपको उसमें, वो बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट हेडसमैन को क्या फीचर एक्सप्लेन करने का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाली है सीट इस कार की, यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर की प्लेट मिल जाएगी। और ये रहा इस कार का बैक डोर, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पर भी ग्रे फिनिश होगी, पावर विंडो हो गई जो की ऑटो रहने वाली है, पियानो ब्लैक फिनिश, बाटर स्पेस, स्पीकर, फॉर्च्यूनर की होगी यहाँ पर बैजिंग। अगर आप रियर सीट में जाना चाहते हो तो आप मिडिल सीट को टपल करके इजिली चले जाएंगे, उस स्लाइडिंग का भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वैसे कुछ तरह रहता है इस कार का फ्रंट सीट और बैक का, एक सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इस कार में। ये इस कार का स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड, आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा, उस तरह की आपको यहाँ पर स्टेजिंग मिल जाती है, टोयोटा का होगी यहाँ पर लोगो, SRS की होगी यहाँ पर बैजिंग, स्टीयरिंग बॉडी कंट्रोल्स हो गए, कुछ तरह के आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे, और ग्रे फिनिश हो गई। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, RPM मीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये स्पीडोमीटर जो कि दोनों एनालॉग रहेंगे, बीच में कितने साइज की मिल जाती है इसमें IMID, जिसमें आपको कितना चल गया कार, क्या माइलेज दे रही है, टैप रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स आपको इसमें दिए जाएंगे, कुछ होगी इसमें अलर्ट लाइट्स। और ये ड्राइवर साइड AC वेंट यहाँ पर आपको उस तरह का मिल जाएगा, ग्रे फिनिश हो गई, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्विटर हो गया, ग्रैब हैंडल, और ये सनवाइजर इस कार का, वैनिटी मिरर मिल जाएगा और लैंप के साथ आपको यहाँ पर, और ये कैबिन लैंप LED में रहेंगे, सनग्लास होल्डर, कैबिन लैंप कंट्रोल के बटन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, और ये रहा ऑटो डिमिंग IRBM, ये रहा क्वार्टर पर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर और लैंप, ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की आपको इसमें फ्रंट सीट्स मिल जाएंगी जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं, कुछ तरह की सीट्स रहेंगी जैसे आप देख सकते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स दी जाएंगी आपको इस कार में, कुछ तरह की आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के। ये रहा सेंटर कंसोल इस कार का, यहाँ पर आपको वॉच मिल जाएगी, हजार डेट हो गया बटन, लेदर फिनिश हो गई, टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC दी जाएगी आपको इस कार में, वेंटिलेटेड सीट्स के फीचर मिल जाएंगे, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए बटन हो गया, और फोर व्हील ड्राइव में आपको एंगेज करने के लिए यहां पर मिल जाता है कंट्रोल, दो कप होल्डर्स हो गए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का आपको यहाँ पर नोब मिल जाएगा, वुडन फिनिश दी गई है, यहाँ पर आपको ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, इको नॉर्मल और स्पोर्ट्स, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए हो गया यहाँ पर बटन, वो ये आर्म रेस्ट, उतना स्पेस मिल जाएगा, हैंड ब्रेक, और ये डैशबोर्ड इस कार का, यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाती है, लेदर फिनिश में रहेगा, वो कितने साइज का रहेगा इस कार का ग्लोव बॉक्स, और ये को ड्राइवर साइड डोर इस कार का, यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी, लेदर फिनिश, बाटर स्पेस, जो स्पेस, स्पीकर, तो ओवर कुछ रहेगा था फ्रंट सीट और बैक का, जो भी कुछ आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं वो तो हमको दिखाई दिए हैं। अब चलिए फिर लेके जाओ उस कार की रेयर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा, ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहां पर, मेरी हाइट 6 फीट है, तो कितना लेग रूम मिल जाएगा आपको इस कार में, और रेयर सीट पर बैठोगे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड, फ्रंट में आपको दिखाई दिया है कैबिन लैंप मिल जाता है आपको, यहाँ पर भी कैबिन लैंप मिल जाएगा, AC वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे से AC वेंट्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और AC वेंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और आर्मरेस्ट हो गया यहाँ पर, कप होल्डर्स भी दिए जाएंगे यहाँ पर, 2 चार्जिंग सॉकेट हो गए जो कि टाइप सी में रहेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और आप कुछ यहाँ पर कैरी करना चाहते हो तो आप इजिली यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, 4 kg इसका मैक्सिमम वेट है, यहाँ पर आपको पॉकेट दी जाएंगी, कितने साइज का हो गया यहाँ पर लेग रूम और हेडरूम में बिल्कुल भी कमी नहीं है, यहाँ पर आपको कितने साइज का मिल जाएगा बम्प, तो भी ओवर कुछ लगा था इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाता है आपको सभी दिखा दिए हैं, तो ऐसा मैं कुछ तरह का इस कार का बोक रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए हैं, तो ऐसा मैं कुछ तरह का इस कार का बोक रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर में मिल जाते हैं वो मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं, फीचर्स तो आपको इस कार में इतने नहीं मिलते हैं जैसे और कार्स आती हैं, या सनरूफ हो गई, कुछ ऐसे फीचर्स मिसिंग है, पर लेकिन जब सब देखते हैं टोयोटा का रिलायबल इंजन, मेंटेनेंस कम है, और जब रुतवा देखते हैं कार का तो सब फीचर्स को भूल जाते हैं, पर लेकिन फीचर्स भी काफी बढ़िया मिल जाते हैं, ये नहीं कि फीचर्स की भी कमी है, वेंटिलेटेड सीट जैसे ही फीचर्स आपको मिल जाते हैं कार में, एंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको 8 इंच का मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ रहेगा जो कि वायरलेस, फॉर्च्यूनर लेजेंडर आपको 4x2 ऑप्शन भी मिल जाता है, और आप किसी और कार का बुक राउंड देखना तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।